Let us really start. We have set A with us in the beginning, beta. Set A of the question paper that was given to you. A set mein question number 4 से स्टार्ट करेंगे. आपका फिजिक्स का ये क्वेश्चन फिजिक्स पार्ट का है. ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ डायामीटर 10 मीटर. डायामीटर बेटे आपको जो है ये 10 मीटर दिया हुआ है. इट विल मीन दैट कि रेडियस 5 मीटर के बराबर आ जाएगा. द डिस्टेंस कवर्ड बाई इट ऑन कंप्लीटिंग द 2 रेवोल्यूशंस. दो राउंड इसने पार्टिकल ने कंप्लीट कर लिए हैं. डिस्टेंस कवर्ड बाई द ऑब्जेक्ट बेटे कितना हो जाएगा? तो दैट विल बी डिस्टेंस को आप अगर एस बोल दोगे सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है. दो राउंड कंप्लीट हुए हैं तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ 2πr बेटे. एंड इट विल बी 2 × 2 × 22/7 × 5 बेटा. सो ये आपके पास आ जाएगा बेटी. और इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो इट इज 2n. अच्छा पाई की टर्म्स में हमने निकाल रखा है. सो आपको और भी आसान कर दिया एग्जामिनर ने कि बच्चों को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े कैलकुलेशंस में, बच्चों का टाइम ज्यादा ना खराब हो. तो आपको पाई को पाई रख लेना है. This is 4πr. This is 4πr आपका 5 था. 20π आपके पास आपका इसका आंसर आ जाएगा बेटे. अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हो. देन बेटे डियर चिल्ड्रन इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखें. ए स्कूटर मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. एक स्कूटर है 36 किलोमीटर पर आवर की उसकी वेलोसिटी है. तो बच्चों ये फिर आपका मीटर पर सेकंड में कितना हो गया जी? हाँ हाँ कितना हुआ वो? 10 मीटर पर सेकंड. वेरी नाइस. है ए स्कूटर मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर टेक्स 20 सेकंड्स टू स्टॉप. 20 सेकंड्स के बाद ये आपका स्कूटर रुक जाता है ना. एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर इज व्हाट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. एक्सेलरेशन स्कूटर का कितना होगा? बी माइनस यू अपॉन टी कर लेंगे जी. बी आपका बच्चों देखो 0 था. यू आपका कितना था जी? 10. टी कितना है? 20. तो ये -1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या आपको ऑप्शंस में -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है. फिर भी कई बार बच्चों को मैग्नीट्यूड लिखने की हैबिट होती है. माइनस साइन आएगा यहाँ पे, नहीं आएगा तो आपको नंबर नहीं मिलना चाहिए. बट फिर भी इस चीज को ध्यान में रखती हुई थी कई बार बच्चे जो हैं मैग्नीट्यूड लिख देते हैं. कोशिश की गई है कि आपको क्रेडिट दे दिया जाए. राइट ठीक है जी. और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7. द रिटार्डेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर क्वांटिटी विच मे और मे नॉट हैव एनी डायरेक्शन. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वेरी नाइस. तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका डायरेक्टली वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा बेटे. देन डियर चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 9. स्टडी द फॉलोइंग वीटी ग्राफ केयरफुली. द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 10 सेकंड्स इज रिक्वायर्ड. आपको एक तरफ बच्चों देखो वेलोसिटी दी हुई है वर्टिकल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपको टाइम दिया गया है और आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का आपको बनाकर दिया गया है. यहाँ पे 8 लिखा है और यहाँ पे 10 है. वेरी गुड वेरी गुड. स्टडी द फॉलोइंग वीटी ग्राफ केयरफुली. द डिस्टेंस कवर्ड बाई द ऑब्जेक्ट इन 10 सेकेंड्स इज रिक्वायर्ड. डिस्टेंस आपका वीटी ग्राफ का एरिया होता है. एरिया लेंथ इन टू ब्रेथ आ जाएगा. 80 मीटर्स आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो जो भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा आप अकॉर्डिंगली देख लेंगे बेटे.
राइट बेटा, देन बेटे लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 13। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी कोइंसाइड्स विद द टाइम एक्सिस द बॉडी मस्ट बी एट इन यूनिफॉर्म मोशन एट रेस्ट इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन जिगजैग मोशन एट रेस्ट। ये आपको दिया गया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इधर एक्स है इधर टी है, आपका ऑब्जेक्ट जो है ऐसे इस ये ग्राफ है ये, तो टी जब जीरो है तो डिस्टेंस कवर्ड जीरो है, विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्टेंस कवर्ड रिमेन्स जीरो, आपका ऑब्जेक्ट जो है दैट इज एट रेस्ट। विद देन बच्चों आइए आगे चलें विद द प्रॉब्लम नंबर, कौन सा है बेटे आगे 15, आइए देखें जी 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, लेट अस फोकस अपॉन दिस। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली। एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैविंग बीटी ग्राफ इज फ्रॉम ओ टू ए, एक ग्राफ आपको दिया गया है बीटी ग्राफ बेटे, इधर वेलोसिटी है इधर टाइम है, जीरो ऐसे 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 ए बी सी, आपको बाकी पार्ट छोड़ देना है, यहाँ पे 5 लिखा है यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, आपको ओ ए पार्ट में इसकी जो है 10th वाले बीच में क्यों आ रहे हैं, सो एक्सेलरेशन बेटे आपका स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, 10/5 2 meter per second square आ जाएगा, अकॉर्डिंगली आपने अपना ऑप्शन बेटे मार्क कर लेना था। देन बेटे डियर चिल्ड्रन लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 17। द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन इज मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, दिस इज बिकॉज गन इज मच हैवियर देन द बुलेट, द गन इज हेल्ड टाइटली आइदर ए और बी, नाइदर ए नॉर बी, गन इज टाइटली हैवी, रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है माइनस एम बी अपॉन कैपिटल एम, कैपिटल एम अगर ज्यादा होगा तो रिकॉइल वेलोसिटी कम होगा ना बेटा, तो टाइटली होल्ड करना दैट इज द सेकेंडरी थिंग, बट फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज गन का मास बहुत ज्यादा है, अगर आप टाइटली होल्ड करोगे तो वो रादर रिकॉइल नहीं करेगा। जब हमने बात की थी कि रिकॉइल को अवॉइड कैसे करें, अगर हम टाइटली होल्ड किए हुए हैं तो रिकॉइल नहीं करेगा, लेकिन यहाँ तो उन्होंने कहा कि रिकॉइल कर रहा है, कम कर रहा है, क्यों कर रहा है कम, क्योंकि गन का मास बच्चों ज्यादा है, हैवी है गन इन कंपेरिजन टू द बुलेट, अदरवाइज हैवी इट मे और मे नॉट बी, तो बुलेट का मास करीब करीब फ्यू ग्राम्स होता है, मे बी 50 ग्राम 100 ग्राम देखा नहीं हमने तो, और गन का मास जो है वो इन कंपेरिजन टू द बुलेट ज्यादा होगा, दैट्स वाई विद दिस रिलेशनशिप हम इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, राइट बेटे। देन पुत्र प्रॉब्लम नंबर 18। ए बॉल सेट रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, दिस इज ड्यू टू द अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अनबैलेंस फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस, नाइदर ए नॉर बी, आइदर ए और बी, राइट बेटे इट इज बिकॉज ऑफ अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आपके बॉल और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करती है उसकी वजह से आपका बॉल रुक जाता है, राइट। 19, प्रॉब्लम नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। चूज द बीटी ग्राफ और द एक्सटी ग्राफ गिवन बिलो, आपको एक उन्होंने एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरीके का, इधर एक्स है इधर टी है और आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का आ रहा है, इसमें देखिए अगर आप स्लोप निकाल लोगे तो वेलोसिटी क्या आएगा, यूनिफॉर्म कांस्टेंट आ जाएगा ना वेलोसिटी, तो इसके लिए तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपका ये बनता है, ये टी है ये वी है आपका, अगर एक्स टी ग्राफ ऐसा है तो उसका वी टी ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंगली डेफिनेटली ऐसा ही बनेगा, राइट।
हाँ जी मिलन जी, ऑल राइट, ओके। प्रॉब्लम नंबर 22, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 22 है ये, डेल्टा पी अपॉन टी 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आपको क्या कहा गया है? फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल या बॉडी कितना होगा? वेरी राइट, बिकॉज फोर्स होता है इसके बराबर है, तो फोर्स विल बी इक्वल टू 2 न्यूटन। राइट, चलें आगे। 24, 24th क्वेश्चन के लिए लेट मी मेक स्पेस ओवर हियर। किसी स्टूडेंट को कोई शक नहीं रहना चाहिए, कोई बात आपके माइंड में आती है तो जरूर बतानी है कि सर हमें ये चीज नहीं पता चली, या पता चल गई है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई बात ना पता चले बताना जरूर है, ऐसे नहीं बैठे रहने। क्वेश्चन नंबर 24 बेटा, आइए देखें। फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट ए कार ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी देनी है कार को इन 10 सेकेंड्स। टी आपको 10 सेकेंड दिया हुआ है। इफ द मास ऑफ द कार इज 2000 kg, कार का मास 2000 किलोग्राम है, कितना फोर्स चाहिए होगा? है? कैसे? वेरी राइट, वेरी राइट। एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए। एम आपका 2000 है, ए आपका चेंज इन द वेलोसिटी या वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, 20/10 कह लीजिए, तो इट विल बी 4000 न्यूटन। ठीक है जी, ऑल वेल। प्रॉब्लम नंबर 27, रियल लॉ ऑफ मोशन इज न्यूटन्स सेकंड लॉ। आपको पेपर में बहुत बार अदरवाइज क्वेश्चन भी आया करता था, व्हाई न्यूटन सेकंड लॉ इज कॉल्ड द रियल लॉ ऑफ मोशन? बिकॉज फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन इट, थर्ड लॉ इज ऑल्सो कंटेन्ड इन इट, दैट्स व्हाई सेकंड लॉ इज कॉल्ड द रियल लॉ ऑफ मोशन। 29, द ग्लास वेयर एंड द चाइना वेयर आर रैप्ड इन पेपर और स्ट्रॉ। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज, दिस इज टू इंक्रीज द टाइम ऑफ इंपैक्ट, सेव द आर्टिकल्स फ्रॉम ब्रेकिंग, फॉर ब्यूटिफिकेशन, बेसिकली इंक्रीज द टाइम ऑफ इंपैक्ट ही आएगा। तो आई होप इसका बी का भी आपको कहीं ना कहीं जरूर क्रेडिट देगी दे दिया होगा, बिकॉज अल्टीमेटली हम ये करते तो उसको ब्रेकिंग से सेव करने के लिए ही है ना बेटा। कुछ केसेस में अगर बच्चों ने किया होगा तो उनको आई होप, मैं ये अश्योर नहीं करता, वैसे नहीं होना चाहिए, आपको क्रेडिट दिया हो भी सकता है। तो राइट, 32 क्वेश्चन नंबर, असर्शन एन आर्टिफिशियल, ये बेटे देखो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन ऐसे ही डाल दिया था जस्ट टू चेक दैट कि वेदर बच्चे एक्सरसाइज करते भी हैं कि नहीं करते हैं एनसीईआरटी वाली। सो ये आपका ऑप्शन कौन सा बन जाना था? इट इज बोथ आर ट्रू एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। वेरी राइट, वो बहुत अच्छे। तो जिन बच्चों ने तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व किया है, खुद किया है रादर, वो तो सीधा फटाफट कर लेंगे, तो जिन्होंने नहीं किया था वहां पे 2 मिनट आपको लगने थे, फिर उसको देखना पड़ना था, सोचना पड़ना था, परखना पड़ना था, हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ भी हो जाए। राइट, 46 क्वेश्चन से लेकर 50 तक, सॉरी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ए स्टूडेंट रोल्स ए क्रिकेट बॉल ऑन द फ्लोर, ही वाज एक्सपेक्टिंग दैट द बॉल विल कंटिन्यू टू मूव अकॉर्डिंग टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन तो यही कहता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी। तो बच्चे ने बॉल, उसको नहीं पता था कि फ्रिक्शन भी लग रही है, उसने उसको रोल कर दिया, उसने सोचा ये रोल करती रहेगी करती रहेगी करती ही रहेगी। क्यों मिलन?
बट ऐसा हुआ नहीं। आगे चल के देखते हैं क्या कहते हैं वो। बट टू हिज सरप्राइज द बॉल स्टॉप्ड आफ्टर सम टाइम, वही बात हो गई ना। देन ही रिपीटेड हिज एक्टिविटी एंड फाइनली प्लॉटेड द ग्राफ एज फॉलोइंग। एक ग्राफ आपको उन्होंने दिया है ये सारे क्वेश्चंस के लिए। बेटे ये क्वेश्चन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, ये सिर्फ आपकी स्किल चेक करने के लिए था कि बच्चे ग्राफ को अच्छे से पढ़ना जानते हैं, ग्राफ को इंटरप्रेट करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो आइए मैं आपको ये सॉल्व करके बता देता हूं। ऐसा ग्राफ आपको दिया हुआ है, ओरिजिन 2, 4, 6, 8, 10 कुछ ऐसा है। यहां पे भी 10 नहीं है, ठीक है जी। इधर है वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड में, एंड इधर है टाइम सेकंड्स में। समझ आ गई बात बच्चों? तो पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा है आपको, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट टाइम t इज इक्वल टू 0 seconds। बड़े सिंपल सी बात है, जब टाइम t 0 है यहां पे तो वेलोसिटी कितनी है, वो 0 ही है वो भी, अच्छा सॉरी 10 है। इस टाइम पे 10 है ना वेलोसिटी, तो आपका बॉल रेस्ट पे नहीं था, बच्चे ने रोल कर दिया था उसको ऑलरेडी। तो इसका आपका जो भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन है आपको मार्क कर देना था, ए ही आ रहा है मेरे पास। 0 टाइम पर इतनी वेलोसिटी है, 10 है, अकॉर्डिंगली वी आर टू आंसर। दूसरा है द टोटल टाइम बॉल टेक्स टू स्टॉप, अगेन 10, 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। अगर आपको ग्राफ अच्छे से पढ़ना आता है कोई मुश्किल नहीं, नंबर लेने बड़े आसान, आपके लिए ये पैटर्न बड़ा वरदान साबित हो सकता था। यस बेटे, है ना। तीसरा क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन बेटा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉल, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनल 0 है, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम भी 10 है, -1 meter per second square आ गया। इसके जवाब में -1 लिखना जरूरी था, बट आई होप कि अगर आपने मैग्नीट्यूड लिखा है तो कहीं ना कहीं आपको कंसिडर जरूर किया गया होगा। तो अगर नहीं किया हुआ है तो घबराना नहीं है, माइनस जरूरी है, एग्जैक्ट आंसर माइनस का ही है। अगर प्लस का लिखा हुआ है वो ठीक नहीं है, मैग्नीट्यूड जरूर बराबर आ रहा है लेकिन ठीक नहीं है। हो सकता है कि एग्जामिनर ने बच्चों को पहली बार अपीयर हो रहे हैं थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दे भी दी हो, तो अकॉर्डिंगली वी आर टू मैनेज इट, राइट। देन बेटे डियर चिल्ड्रन, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, फोर्स बच्चों देखो मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। मास आपको उन्होंने शुरू में 200 ग्राम दिया हुआ है, सबसे पहले क्या दिया करते हैं, किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, बहुत बढ़िया, ये इसके किलोग्राम बन गए। और एक्सेलरेशन आपने अभी अभी निकाल रखा है -1, तो ये कितना बन गया जी, -0.2 newton, ठीक है जी। आपका जो भी सी ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंगली यू आर टू मैनेज। कोई मुश्किल लग रहा है, अपने आप ही हो रहे हैं देखो। 50th क्वेश्चन, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल, मास इनटू वेलोसिटी, मास कितना है 200 ग्राम, इसके किलोग्राम अगर नहीं बनाए तो गलत हो जाएगा, बनाने पड़ेंगे। वेलोसिटी 10 थी, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो ये 2 kilogram meter है। यस, ठीक हो गई बात। सो ये सिर्फ ये चेक करने के लिए था कि क्या बच्चे यूनिट्स को कन्वर्ट करना भूल तो नहीं गए हैं, कई बार हम गलती कर जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमें उसके ये को देखना पड़ेगा, राइट बेटा। एनी चाइल्ड हैविंग बी सेट दे दीजिए, मैं कर दूं फटाफट सॉल्व। थैंक यू बेटा, ये इसमें डाल देना बेटे।
बी सेट में बच्चे बच्चे डिस्कशन बाद में, पहले काम कर लीजिए, बाद में डिस्कस करते रहना। क्वेश्चन नंबर फोर, बी सेट, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 1.5 रेवोल्यूशन। हाँ, 14, ठीक है, एक पूरा चक्कर हो गया, उसके बाद आधा हो गया, तो डायमीटर के बराबर हो गया ना, तो दैट इज इक्वल टू 14 मीटर्स। आइए वन बाई वन कर लेते हैं, सेट बी पे चले जाते हैं। अब बेटा सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सारे स्टूडेंट्स बेटा थोड़ा सा इधर कंसंट्रेट करिए, ताकि आपको ड्यूरिंग पीटीएम कोई दिक्कत ना आए, आप इधर उधर नहीं तो भागते रहते हैं कि मेरा क्यों कट गया, बढ़ गया, बढ़ गया तो नहीं कोई कहेगा, कट गया ही कहेंगे, है ना। सो क्वेश्चन नंबर फोर में बेटे आपके पास आ जाएगा जी 14 मीटर, ठीक हो गई बात। देन बेटे क्वेश्चन नंबर कौन सा है मुझे बताते जाइए जरा। 6 होगा, ए स्कूटर रिक्वायर्स ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई, 36 किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड बन गए। टाइम आपको दिया हुआ है 10 सेकंड्स का, एक्सेलरेशन इज नीडेड, बी माइनस यू अपॉन टी, तो ये आ गया जी 1 मीटर। आप लोगों ने अच्छे से किया लगता है मुझे। देन प्रॉब्लम नंबर 7, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज स्केलर वेक्टर, वेक्टर ये डेफिनेटली इसका डायरेक्शन होता है। प्रॉब्लम नंबर 9, स्टडी द फॉलोइंग वीटी ग्राफ केयरफुली, द डिस्टेंस कवर्ड बाई द ऑब्जेक्ट इन 5 सेकेंड्स। बिल्कुल ए सेट के पैरेलल ही है आपको इसका, ये देखिए अगर नहीं विजिबल हो रहा आई थिंक बेटा, आपको रेक्टेंगल दी हुई है, आप इसका एरिया निकाल लेंगे, इट विल बी 5 × 5, 25 मीटर्स। ऑप्शन कौन सा बनता है, ए, राइट। हाँ जी, ऑल वेल, 13, खुश हो गया बच्चा है। 13 देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। बेटा 13th में ये वी है, ये टी है, ऐसे दिया हुआ है आपको ग्राफ। द बॉडी इज एट रेस्ट, हैविंग 0 एक्सेलरेशन, हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हैविंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ना ना वेलोसिटी उसकी है, वेलोसिटी बदल नहीं रही है, एक्सेलरेशन कितनी हो गई, 0। यस, तो इट मस्ट बी बी ऑप्शन, ठीक है, एक्सेलरेशन इज 0, तो क्योंकि वेलोसिटी नहीं बदली तो 0 है, तो है ठीक। 15, स्टडी द फॉलोइंग वीटी ग्राफ केयरफुली, बी से सी तक, वही ग्राफ आपको दिया गया है 15th में, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये बी है, ये सी है, मैं बाकी बना ही नहीं रहा हूं, ये 10 है, ये 15 है, इधर 10 है, आपको बताना था एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 10, टाइम 10, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, माइनस, सॉरी यहाँ पे 15 है तो ये 5 आएगा ना, -2 ही रहेगा, राइट। चलें आगे, ऑल वेल, ऑल क्लियर, एवरीथिंग फाइन। 3, क्या कहते हैं, अच्छा वो ऑलरेडी डिस्कस हो गया इसीलिए खुश हो गए हैं। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। एक बात आपको बताऊं, आप लोग इस नए फॉर्मेट में अपीयर हुए हैं, यही बड़ी खुशी वाली बात है। देन प्रॉब्लम नंबर हमारा कितना है, 17,
सेवनटींथ देखिएगा, ए गन रिक्वायर्स ऑन फायरिंग, दिस इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द बुलेट ऑन द गन, फोर्स एक्सर्टेड बाय द गन ऑन द बुलेट, आइदर ए और बी, नाइदर ए नॉर बी, फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द बुलेट ऑन द गन, राइट। प्रॉब्लम नंबर 19, चूज, आपको 18th भी है, ये मिस हो चल रहा था। When the resultant of all the forces acting on a body is zero, the forces are called balanced forces. Simple. Question number 19. VT graph आपको दिया गया है, इधर V है, इधर T है, ऐसा graph है। Acceleration time graph बच्चों कैसा होगा? A T, acceleration कितनी आ रही है? ये graph बन गया, ठीक है जी। देन क्वेश्चन नंबर कितना है आगे भाई, 22। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज 3 kg/s², द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी 3 N, वो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। देन बेटे प्रॉब्लम नंबर कौन सा आगे आ गया जी, 32, 24 रह गया। फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट ए कार ए वेलोसिटी ऑफ 30 m/s इन 10 seconds इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg, इज 1500 मास आ गया इनटू वेलोसिटी कितनी हो गई है 30, टाइम कितना है 10 का है ना, न्यूटन, राइट। आगे कौन सा है, 27, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, सेकेंड लॉ, फार्मूला तो एंड में मिलता है ना, पहले तो वो फोर्स को डिफाइन करता है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हो सकता है क्रेडिट दिया हो, आप देख लें, मैं इग्नोर नहीं करता हूं आपके जो जिन्होंने पेपर चेक किया है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो किन्होंने डाला किन्होंने किया, आई डोंट नो, हो सकता है कि यू मे बी गिवन द क्रेडिट। 32 चले आगे, 29 रह गया। A cushion bed or a sand bed is used in the athletic events, high jump. This is to increase the time of impact. यही पहला ही आएगा, ठीक है जी। 30 seconds, ये तो आपने कर ही लिया है, वो ही सैटेलाइट वाला ही क्वेश्चन है, ये आपका both are true and R is not the correct explanation of A. R में आपको उन्होंने एंगुलर वेलोसिटी दे दी है ना, आपको एंगुलर वेलोसिटी नहीं निकालनी है। यस, प्रॉब्लम नंबर 46 पे आ जाइए डायरेक्टली सीधे सीधे, ये वो ही आपका ग्राफ सा दिया हुआ है आप लोगों को, आइए देखें, सोचें समझें परखें। इधर वेलोसिटी, इधर टाइम, ऐसा ग्राफ, ये 8, ये 80, और 50 g का बॉल है फ्लोर पे रोल कर रहा है, कर देंगे बेटे हो जाएगा आपका कंप्लीट, चिंता मत करो। अब इधर देखो ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ द बॉल है टाइम t इज इक्वल टू 0, 80 m/s है। सेकेंडली टाइम टेकन बाई द बॉल टू स्टॉप 8 seconds। तीसरा सवाल, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉल वी माइनस, हाँ जी वी जीरो आ गया ना, -80/8, इट इज -10 m/s², राइट। हो सकता है प्लस का उन्होंने कुछ किया हो, तो आई डोंट नो,
49 फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल 50 ग्राम का है, इसके किलोग्राम बनाने पड़ेंगे। ये माइनस 10 आ रहा था, 1 2 1 2 माइनस 1/2 आ गया, माइनस 0.5 न्यूटन। लास्ट क्वेश्चन, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल, मास इनटू वेलोसिटी करोगे, ये मास ये वेलोसिटी, 1 2 1 2 ये 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया बेटा। सो थैंक यू ऑल बेटा, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड फॉर यू ऑल।